अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज बारिश वाला मौसम बना हुआ है। मौसम क्या बना हुआ है, मतलब लगी हुई है अभी थोड़ा वक्त हुआ है, तो मैंने कहा कि मैं आपको ज़रा बारिश के बाद अपना गांव दिखा दूँ, तो आ जाएं चलते हैं। ये पहले ऊपर से आप व्यू देख लें सारा। ये जी मेरा गांव है, तो ये जी हम लोग बाहर आ गए हैं, तो अभी बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है बारिश के बाद का। थोड़ी देर की ब्रेक है बारिश की, उसके बाद मेरे ख्याल से तो बारिश जो है वो फिर शुरू होगी। तो ड्यूटी से भी अभी वापस आया हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा बाहर का चक्कर लगवा लूँ और खुद भी थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा मैंने कहा, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो चलते हैं और वीडियो भी साथ में आप लोगों के लिए हो जाए। क्या हाल है? ठीक है, क्यों हो रहा है? रेस्ट मैं आ गया यार, थोड़ी ये जी आउटसाइड व्यू है हमारे घर का। मैं असल में आज मैं जाना चाह रहा था, वो सरसों का जो है ना बड़ा प्यारा व्यू आ रहा था, जो सरसों होती है उसका खेत में उतर, तो मैं मेरा दिल चाह रहा था कि आप लोगों को भी दिखाऊं, तो इसलिए बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है उन खेतों का, वो जो मैंने अपने घर की छत से आपको दिखाए थे। Thank you.
ये दोनों साइड खेतों के व्यू हैं। तो रास्ता असल में ये बहुत बारिश की वजह से ख़राब हुआ हुआ है, इसलिए चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस तरह जो सरसों लगी हुई है वहाँ तक जाना है हम लोगों ने। आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, उनकी और कपड़ों की हालत भी ख़राब हो गई है, और मुझे ये लगता भी नहीं है कि मैं वहाँ तक चल के जा सकूँगा। तो इसलिए ये वहाँ तक जाना था, वो सामने जो सरसों लगी हुई है, ये मैं आपको इसको जूम करके भी दिखाता हूँ। ये जो सरसों लगी हुई है ये यहाँ तक मैं जाना चाह रहा था, लेकिन रास्ता चूँकि बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी जाते हैं, चलते हैं जहाँ तक जा सकते हैं, फिर आगे देखते हैं। ये जी नज़दीक पहुंच गए हैं इस जगह तक, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये बारिश की वजह से कीचड़ बना हुआ है और चलने ही नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी हम लोग इस स्टॉप तक पहुंच आए हैं, यहाँ तक तो जी पहुँचा है हम लोग। ये जी हम लोग नज़दीक पहुँच गए हैं। ये आ गई जी वो गंदम, वो सरसों को हमने वहाँ से देखा था। ये वैसे खेत में उतरना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत बारिश हुई हुई है, लेकिन फिर भी अब इतने दूर से आए हैं तो मैं आपको थोड़ा आगे तक चल के दिखाता हूँ। इसके बीच में भी ये बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत खूबसूरत व्यू है इसका। रास्ता तो इस तरफ से भी आगे निकल जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये आइडिया भी ठीक है कि इसी साइड से आगे जाया जाए, और जो है वो आगे से अपनी घर की तरफ रास्ता मुड़ जाएगा। ये फूल है जिसकी, तो मैं यहीं से आगे है तो डेंजरस क्योंकि बारिश हुई हुई है और खेत जो है वो बिल्कुल पानी इनके अंदर घुसा हुआ है बहुत ज़्यादा, ज़मीन में। लेकिन ये है कि खेतों में चलने का अपना ही मज़ा है, और वो भी गांव में। तो चलें वापस, क्या जाना, इसी रास्ते से आगे जाते हैं और आगे वहाँ से मैं आप लोगों को भी फिर से दिखा देता हूँ। बहुत खूबसूरत व्यू है, और यकीन जाने कि यहाँ चलने का जो है ना अपना ही मज़ा है, पुरसकून
ठंडी हवा, फ्रेश। यह वहाँ से तो चल आए, रास्ता ठीक था, लेकिन आगे मुझे लगता है कि अब काम ख़राब हो रहा है, क्योंकि ज़मीन गीली हुई है बारिश की वजह से और सर्दी भी, लेकिन अब नज़दीक ही ये जी दोस्तों, तो अब बारिश जो है वो फिर से हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ तक तो निकल आए, यहाँ से आगे भी अल्लाह के रास्ता मिल जाए, जो उस रास्ते के साथ लगता हो जिससे हम लोग आए थे। ये रास्ता तो जा रहा है, बना हुआ है बीच बिल्कुल जी रास्ते में, बिल्कुल इसके बीच में। कल हम लोग वहाँ से गए थे उस तरफ से, और ये आपको एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन ग्रीनरी है। बारिश जो है वो गंदम के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत बेहतरीन व्यू नजर आता है। चलें जी, हम लोग फिर रास्ते में पहुंच गए हैं। तो ये था हमारा सफर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। छोटा सा ब्लॉग आपके लिए आज के, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ट्रैक कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह।